हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी 2019 की भर्ती में अप्रेंटिसशिप का कटअप पिछली बार की तुलना में क्या रहने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर की कटअप की अप्रेंटिसशिप। फ्रेंड, पिछली बार जो वैकेंसी आया था अप्रेंटिस वालों के लिए लगभग 12,000 पोस्ट आया था, ठीक है। और पिछली बार का जो क्राइटेरिया था जॉब को लेकर के वह अलग था। पिछली बार लोगों का फिजिकल भी था और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी था, जो कि यूआर के लिए 40% रखा गया था, ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% रखा गया था। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि मुंबई जोन का है, यहाँ पे आप कटअप देख सकते हैं 100 मार्क्स में सीसीए वालों के लिए कितना गया था। यूआर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, उनका 40 नंबर गया था और वही ओबीसी का 30 नंबर गया था, 30.30 गया था। वही एससी का गया था 30 और एसटी का गया था 30 गया था। तो ये देखिए, पिछली बार जो कटअप उठाया था मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे उठा लिया था, लेकिन इस बार का कुछ नियमें जो है वो चेंज हो गया है। और चलिए दिखाते हैं आपको कुछ जोन की। ये अहमदाबाद का है, देखिए यहाँ पे अहमदाबाद में भी गया था, यूआर के लिए गया था, यूआर का 40 नंबर, यानी कि जिनका भी 40 मार्क्स आ गया था यूआर कैंडिडेट का, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। वही ओबीसी एनसीएल का 30 नंबर था और एससी का यहाँ पे 30 नंबर था, ठीक है, और वही एसटी का 30 नंबर था। फ्रेंड, यहाँ पे इस बार जो होगा, यहाँ पे पिछली बार जो कैटेगरी था 4 था, इस बार 5 हो गया है, ठीक है। जैसे कि यूआर हो गया, एनसीएल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी कटअप में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, आप लोगों को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए और आपको दिखाते हैं, ये तो अहमदाबाद था और वही देखिए कोलकाता में, कोलकाता में भी लगभग सेम गया था, 40 नंबर यूआर का गया था और 30 नंबर ओबीसी, 31 नंबर यहाँ पे एससी का थोड़ा सा एक नंबर ज़्यादा था। वही एसटी यहाँ पे कोई भी नहीं था, एसटी का यानी हो सकता है फ्रेंड यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे एसटी का कोई कटअप शो नहीं किया है। और वही देखिए यहाँ पे बिलासपुर का भी कटअप फ्रेंड लगभग सेम ही था, यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 30 मार्क्स गया था। और वही मैं बात कर लूँ फ्रेंड पटना का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना में थोड़ा सा जो कटअप जो है यहाँ पे एसटी का थोड़ा हाई। अप्रेंटिसशिप की 1200 सीट के बाद जो भी सीट बचे थे उसे जनरल कैंडिडेट को दे दिया गया था, जिसकी वजह से पिछली बार काफ़ी अप्रेंटिसशिप ऐसे ही रह गए थे और उनका सिलेक्शन 2018 की भर्ती में नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड, इस बार का जो क्राइटेरिया है आरआरबी के द्वारा बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इस बार तो फिजिकल भी माफ़ कर दिया गया है और इन लोग का डायरेक्ट मेडिकल होना है। और इस बार का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा सीबीटी, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी प्लस एनसीबीटी। एनसीबीटी कहने का मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का 1/3 मार्क्स के आधार पर और सीबीटी का मार्क्स के आधार पर इस बार मेरिट बनेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे वैसे कैंडिडेट का इस बार 100% सिलेक्शन होने वाला है जो कि सीबीटी प्लस एनसीबीटी मार्क्स मिला करके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स को पार कर जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड मान लिया जाए कि कोई कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट से है, ठीक है, यूआर कैटेगरी से है और उनका मार्क्स सीबीटी में 10 मार्क्स आता है और एनसीबीटी में 30 मार्क्स आता है, ठीक है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में 1/3 करने के बाद 30 मार्क्स आता है, तो उनका यहाँ पे 40 मार्क्स हो जाता है। तो फ्रेंड, वे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स को पास कर जाते हैं, ठीक है, पार कर जाते हैं, तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वही ओबीसी एसएसटी के कैंडिडेट अगर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से अधिक मार्क्स अगर लेकर के आ जाते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे उनका सिलेक्शन जनरल कैंडिडेट में भी हो सकता है। तो फ्रेंड, यही वो अपडेट्स था अप्रेंटिसशिप के कटअप के रिगार्डिंग। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट की।